बर्गर तो आपको हर गली नुक्कड़ और किसी भी चौराहे पर देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि ऐसा देहाती बर्गर बनते आज तक आपने ना तो देखा होगा और ना ही कभी खाया होगा। और यही नहीं, इसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं कि आप रेट सुनकर आपकी हालत कुछ इस तरीके की होने वाली है। तो यहाँ पर बर्गर बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। एक कढ़ाई में थोड़े से रिफाइंड के साथ थोड़ा सा बटर डाल दिया जाता है और ऊपर से डाला जाता है इसके अंदर पत्ता गोभी और थोड़ी सी प्याज, और इसके साथ मिलाने के लिए डाली जाती है मीठी चटनी और एक मोमोस वाली चटनी, और ऊपर से डब्बे में से निकाल कर मसाले भर भर कर डाले जाते हैं। और सारे मसाले डालने के बाद इसके अंदर डाला जाता है विनेगर और सोया सॉस, और ऊपर से उठा के हल्का सा इसके अंदर फूड कलर डालते हैं ताकि इसके अंदर थोड़ा सा निखार आ सके और वहीं स्वाद में और धमाका हो सके। उसके लिए डाली जाती है हरी चटनी और लाल चटनी, और जिसके बाद तो दुकान से गुजर रही पब्लिक भी बस खुशबू मात्र से इनकी दुकान में खींची चली जाती है। अब पटक पटक के इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं और ऊपर से ग्रेट करके थोड़ा सा पनीर भी डाल देते हैं, और पनीर के साथ इस भजिया को अच्छी तरीके से मिलाते हैं ताकि पनीर भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिल जाए। अब यहाँ पर स्टफिंग तैयार हो जाती है, इसको अलग ही प्लेट में निकाल देते हैं। अब दूसरी बारी आती है यहाँ पर उसके ऊपर बटर डालने की, बटर भी इसके अंदर नाम मात्र का डाला जाता है। और वही स्टफिंग तैयार होने के बाद पाव रोटी को बीच से काट लिया जाता है और यहाँ पर पूरे 6 प्लेट लगाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर से ही बटर को अच्छी तरीके से पेल पेल के इसके अंदर डाला जाए और बटर कम ना पड़ जाए, इसके लिए नई टिक्की निकाल दी जाती है और पूरी 6 की 6 पाव पर ऊपर से घिस घिस के अच्छी तरीके से इसके अंदर डाला जाता है। तो अब आता है मेन प्रोसेस, जिसको देखने के बाद भाई साहब आपको काफी ज्यादा मजा आ जाता है। उसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर रिफाइंड डाल लेते हैं और जिसके ऊपर बटर लगा हुआ था उन्हीं पाव को कढ़ाई के ऊपर अच्छी तरीके से पूरी लेयर इसके ऊपर बिछा दी जाती है और इसको अच्छी तरीके से ऊपर से साइड से आगे से पीछे से अच्छी तरीके से इसको सेक लेते हैं, जिसके बाद ग्राहक को खाकर आने वाला था मजा ही मजा। अब पाव रोटी सिककर एकदम तैयार हो जाती है और दूसरी तरफ लाकर उसको पटक दिया जाता है, और अब यहाँ पर शुरू हो जाता है देहाती बर्गर बनाने का मेन प्रोसेस, जिसको देखने के बाद आपकी जीभ मुंह से बाहर निकलकर लटक जाएगी और आपकी जीभ में से पानी भी नीचे गिर रहा होगा। अब पाव रोटी को एक लाइन से लगाने के बाद इसके ऊपर से डाली जाती है भर भर के मेयोनीज, और साथ ही यहाँ पर हरी चटनी की और लाल चटनी की लेयर भी ठीक उसी प्रकार से लगाई जाती है जैसे की मेयोनीज की लगाई गई थी। अब बारी आती है इनके ऊपर टमाटरों की सजावट की। टमाटर तो आपको पता ही है 200 रुपए किलो है, लेकिन इस बर्गर को बनाने के लिए भाई साहब टमाटर नहीं देखे जाते। और यहाँ पर देखिए खीरे की भी लेयर अच्छी तरीके से लगाई जा रही है और खीरे की जो है 2-2 लेयर लगाई जाती है जिससे कि अंदर कचर कचर हो सके। और इसके बाद इसके अंदर लगाया जाता है पनीर, और पनीर लगाने का तरीका इतना ज्यादा यूनिक होता है कि गाइस आपको देखकर एकदम मजा आ जाएगा। इस पनीर को कच्चा नहीं रखा जाता, उसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा रिफाइंड डालकर पनीर के जो क्यूब्स होते हैं उनको काट लिया जाता है और उनको एक एक करके इसके अंदर तला जाता है। और भाई साहब जब इसको तला जाता है तो इसके अंदर काफी अच्छी सी आग लग जाती है जो देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, और पनीर को इतनी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं कि पनीर कहीं से भी कहीं तक कच्चा नहीं रहने वाला होता है। और जगह पे हमने देखा है कि पनीर के बस क्यूब्स काट लिए जाते हैं और बर्गर के अंदर लगा दिए जाते हैं। और अब बारी आती है फ्राई किए हुए पनीर को बर्गर के ऊपर लगाने की, और एक एक करके सभी बर्गर के ऊपर फ्राई किए हुए पनीर को लगा दिया जाता है और जो बचा हुआ पनीर होता है उसको अच्छी तरीके से घिस घिस कर पूरे बर्गर के ऊपर डाल दिया जाता है। और अब बारी आती है बर्गर के ऊपर मसाले डालने की, और ये मसाला ही भाई इनका इतना ज्यादा स्पेशल होता है भाई, जिसको खाने के बाद आदमी कहता है वाह वाह। इस देहाती बर्गर के स्वाद को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए ऊपर से डाला जाता है चिंग्स का हाका नूडल्स का एक स्पेशल मसाला। और अब बारी आती है एक एक कर सभी बर्गर पर चीज लगाने, और चीज लगाने के बाद ऊपर से डाला जाता है वही इनका स्पेशल मसाला ताकि इसका फ्लेवर और भी ज्यादा बढ़ सके। और अब इसके ऊपर डालते हैं कच्ची पत्ता गोभी, और पहले से जो तैयार की हुई स्टफिंग थी वो मिलाकर इसके ऊपर डाल दी जाती है एक एक करके। और गाइस अब मचने वाला हाहाकार, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि आपने ऐसा प्रोसेस और किसी दुकान पे नहीं देखा होगा। तो फ्राई पैन को गैस पर इस तरीके से दोनों तरफ से हीट किया जाता है कि आपको देखने के बाद यही कहोगे कि भाई साहब यहाँ तो ओवन का काम ही खत्म हो गया। और अब फ्राई पैन को अच्छी तरीके से हीट करने के बाद भाई बर्गर के ऊपर रखा जाता है कम से कम भी 5 मिनट के लिए, और इसी प्रोसेस को लगभग 2 बार किया जाता है क्योंकि जो बर्गर के ऊपर लगी जो चीज है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो सके। और गाइज इतनी मगजमारी करने के बाद आपको लग ही रहा होगा कि बर्गर बनकर एकदम तैयार है, लेकिन भाई अभी भी इसके अंदर कई सारे प्रोसेस बाकी है। और अब आप लोग गैस करके बताइए गाइज कि इस बर्गर का प्राइस क्या होने वाला है। मैं अंदाजा आपको बता देता हूँ कि इसका प्राइस 200 नहीं, 100 बिल्कुल भी नहीं, 50 अरे बिल्कुल नहीं भाई साहब, इसका रेट मात्र 45 रुपए है। और अभी बर्गर पूरी तरीके से बनकर रेडी नहीं हुआ है, बर्गर को बंद कर ऊपर से ग्रेट कर पनीर डालते हैं और वहीं गाजर भी ग्रेट करके ऊपर से डाल देते हैं। तो अगर आपने भी इसी बीच अपना मन बना लिया ये देहाती बर्गर खाने का, तो भाई साहब स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस से आप लोग इनकी दुकान पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।